बदकिस्मती से सूरत हाल अगर आप दुनिया में देखें इंटरनेशनल लेवल पे, हम 116वें नंबर पे खड़े इंडस्ट्री रेट के हवाले। इतना शराब पानी हमारे काम है, 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। तो हमें मिल बैठ के मुशावरत करें प्राइवेट सेक्टर के साथ, ये भी इन इदारों में पढ़ने वाले भी बच्चे इसी कौम के बच्चे हैं और उनके बारे में भी आप सोचें, हमें फैसिलिटेट करें, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि ये 2 करोड़ 30 लाख बच्चे जो तालीमी इदारों से बाहर हैं उनको हम अंदर लेकर आएँ, इदारों के में लेकर आएँ और तालीम का एक सिलसिला शुरू हो। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि छुट्टियों की तो अभी तमाशा लगा जनाब सलमा मौसम सलमा की छुट्टियाँ हुई और अभी गर्मियों का रमजान मुबारक आएगा तो फिर देख लेना एक शोर उठेगा छुट्टियाँ जो है वो कैलकुलेशन जो हमने की है वो वर्किंग डे हमारे जो तालीमी इदारों बनते हैं वो 110 दिन बनते हैं, 365 दिनों में से 110 दिन हमारे वर्किंग डे जिनमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 245 डेज है। हम अपने बच्चों को किस तरह ले गए, मौसम गर्म हो गया ज़्यादा छुट्टियाँ दे दो जनाब, मौसम ज़्यादा हो गया ठंड ज़्यादा हो गई है बच्चों को छुट्टियाँ दे दो। तो ये बजाय इसके कि हम वो हालात पैदा करें वो बच्चों को सहूलतें दें अपने इदारों के अंदर जिम्मेदारी डाली है इदारों के जो सरबराह हैं कि आप बच्चों को ऐसा एटमोसफियर दें जिसमें बच्चों को ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे आप उनको। तो अभी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, हमारा है कि छुट्टियाँ कंटेन की जाएँ, छुट्टियाँ कम से कम की जाएँ ताकि हमारा सिलेबस वक्त पर ख़त्म हो सके। अभी भी हमारे इदारों के अंदर बोर्ड के इम्तहान भी पीछे ले आए हैं, बजाय इसके जो मार्च में पहले होते थे अब ये फरवरी में 22 फरवरी से एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। मई की सूरत हाल है कि वहाँ बर्फबारी है और 8वीं के एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं, हालांकि वहाँ सर्दी का अगर सर्दी का फैक्टर देखें तो सबसे ज़्यादा कोटिंग सर्दियाँ हैं और मई के इलाके में लोग मुतासर हो गए, तो वहाँ बर्फ में भी बच्चे जो है इम्तहान देने के लिए तो कोई हमारी सोच नहीं है ना हमारी कोई विजन है कि हम किस तरह बच्चों को सोचें इनके बारे में हम सोचें। तो आप कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर साहब एक वेल डिसिप्लिन एक अदारे से हमारे लिए फख्र है वो अदारा के जिस अदारे से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह, तो आप वीएम भी रखते हैं, सियासी शोर भी रखते हैं, इदराब भी रखते हैं, लोगों के मसायल को भी समझते हैं, अल्लाह ताला ने आपको कलम दान दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतों से नवाजे। आप खुदा के लिए ये छोटे तालीमी इदारे हैं इनकी खुदा के लिए इनकी बहबूद के लिए कुछ कर लें ताकि ये आपको दुआएँ दें, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हमारी हौसला अफजाई कर लें। मैं ये कहता हूँ कि जब तक हम 100% लिटरेसी रेट हासिल ना कर लें, अपने एहदाफ तक हम ना पहुँच जाएँ उस वक्त तक तमाम किस्म की सख्त पॉलिसियाँ उनको सस्पेंड कर लिया, फिर आप देखें 100% लिटरेसी रेट ले, फिर आप ठीक है जो भी आप चाहते हैं उसको प्यार को बेहतर बनाने के लिए आप करें, कई तरह हम उसको कबूल करेंगे। मैंने तहरीरी तौर पर जो वजीर